guys, this is Priya and welcome back to our channel. Festive season आ गई है और उसी के लिए मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ Myntra के 5 बहुत ही सुंदर yet festive appropriate वाले कुर्ते. उन्हें देखने के लिए इन तक बने रहना, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वाला हमारा कुर्ता आता है अनोख ब्रांड की तरफ से एंड ये वाला जो कुर्ता है वो मल्टी कलर के साथ आया है बट जो मेन कलर है वो है ब्लैक एंड इसके ऊपर में आपको एथनिक मोटिव डिजाइन देखने को मिल जाते हैं. कहीं पे गोल्डन फॉइल प्रिंट्स भी आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू यहाँ पे फ्लोरल डिजाइनिंग क्रिएट की गई है. प्रिंट की क्वालिटी एंड ओवरऑल जो डिजाइनिंग की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी लग रही है एंड कपड़े में एकदम मर्ज होके है. वही मैंड्रिन कॉलर आपको इस कुर्ते में मिल जाएगा, साथ ही फ्रंट साइड में यहाँ पे बटन्स अटैच किए गए हैं वुडन वाले जिसमें कि जो फर्स्ट वाला बटन है वो ओपनेबल है, बाकी सारे सिर्फ डिजाइनिंग के ही पार्ट है. वही इनर साइड में आप इसकी ब्रांडिंग एंड मेरी साइजिंग नोटिस कर सकते हो. साथ ही स्लीव जो इसके है वो आपको 3/4 लेंथ वाले मिल जाएंगे एंड कुर्ते से मैच होता हुआ सेम स्लीव पे भी आप ये डिजाइनिंग देख सकते हो. दोनों साइड में आपको स्लिट मिल जाएगा. वैसे ए लाइन वाला ये कुर्ता है एंड लेंथ वाइज ये मेरे काफ के अराउंड तक आया था. डिस्क्रिप्शन में उन्होंने मेंशन किया है विस्कोस रेयॉन. देखो उतना कॉम्पोजिशन में घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा इतना समझ लो कि जो फैब्रिक हमारे टी शर्ट वगैरह में यूज होता है ना बिल्कुल उसी फैब्रिक से इस कुर्ते को बनाया गया है. बात कर ले अगर लुक एंड फिट की तो मुझे इसके लुक पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई और फिटिंग वाइज मैंने अपना ओरिजिनल साइज ही ऑर्डर किया एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसके फिट वगैरह देख सकते हो. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. डे टू डे लाइफ से लेके इनकेस अगर आप कोई फंक्शन वगैरह में भी इसे कैरी करना चाहो ना तो ये एकदम परफेक्ट ऑप्शन रहेगा. इनकेस अगर आप ऑफिस गोइंग या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और गाइस नेक्स्ट कुर्ता है हमारा हेयर एंड नाउ ब्रांड का जिसमें कि मैंने ग्रीन कलर का कुर्ता सिलेक्ट किया है. पूरे कुर्ते के ऊपर में यहाँ पे एथनिक मोटिव डिजाइन किए गए हैं, साथ ही यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट का भी यूज किया गया है एंड यहाँ पे भी आपको ना गोल्डन कलर के फॉइल प्रिंट्स देखने को मिल जाते हैं. वही नेक्स्ट जो कुर्ते का है वो आपको वी पैटर्न में मिलेगा जिसके साइड में यहाँ पे एक बॉर्डर लगाई गई है एंड इसके ऊपर में जरी वर्क का यूज किया गया है. ये वाली जो बॉर्डर है वो मिडिल पार्ट में भी आती है एंड जहाँ पे ये खत्म हो रहा है उसके नीचे में आप ये टैसल्स नोटिस कर सकते हो. इसमें भी आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगे एंड नेक से मैच होता हुआ यहाँ पे भी बॉर्डर अटैच किया गया है. बात कर ले अगर इसके बैक साइड की तो अगेन सेम पैटर्न यहाँ पे भी डिजाइन है. स्ट्रेट फिट वाला ये कुर्ता है, दोनों साइड में यहाँ पे आपको स्लिट मिल रहा है. लेंथ वाइज ये भी मेरे काफ के ही अराउंड तक आया था. लेंथ वगैरह काफी अच्छी लगी मुझे इसकी. तो यहाँ पे ब्रांड ने मेंशन किया है 100% पॉलिएस्टर बट गाइस बिलीव मी मुझे ये पॉलिएस्टर कोई भी एंगल से नहीं लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि रेयॉन मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया होगा. ओवरऑल लुक आप इसकी देख सकते हो. बात कर ले अगर इसके फिट की तो नेक जो है वो मुझे थोड़ा ज्यादा डीप लगा बट इनकेस अगर आप डीप नेक पहनने में उतना अनकंफर्टेबल नहीं फील करते तो जरूर जा सकते हो, वरना मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि ऑल्टर करा लेना ऊपर साइड में. बाकी लुक वगैरह आप इसकी देख सकते हो. फैब्रिक एंड क्वालिटी आपको A1 यहाँ पे मिल रही है. साथ ही प्राइस वाइज ये वाला जो कुर्ता है वो आपको सिर्फ 400 के अराउंड में मिल जाएगा. तो अफोर्डेबल रेंज में आपको फेस्टिव के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, जरूर चेकआउट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है. वैसे गाइस नेक्स्ट वाला भी कुर्ता हमारा अनोख ब्रांड के ही तरफ से आ रहा है बट इसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम अब टेलीग्राम पे भी आ गए हैं तो जरूर हमें वहां पे भी आप फॉलो कर लेना. बहुत सारे अमेजिंग डील्स शेयर करने वाली हूँ क्योंकि अभी पूरा फेस्टिव सीजन आने ही वाला है तो उसे मिस आउट बिल्कुल भी मत करना. तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर जाके फॉलो कर लेना वीडियो के बाद. आ जाते हैं इस कुर्ते पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने कलर चूज किया है टील ब्लू जो कि बहुत ही एक प्रिटी सा कलर होता है एंड इसके ऊपर में लहरिया डिजाइनिंग यूज किया गया है और जो कलर कॉम्बिनेशन इस कुर्ते का है वो और भी ज्यादा इनहांस कर रहा है इसके लुक को. बात कर ले अगर इसके डिजाइनिंग एंड डिटेलिंग्स की तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको हॉल्टर नेक मिलेगा जिसमें कि काफी खूबसूरत एंड बहुत ही नीट थ्रेड वर्क किया गया है और ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ना फ्रंट पार्ट में वो आपको बैक साइड तक मिल जाएगा. वही कुर्ते के पूरे बॉडी में आपको लहरिया डिजाइनिंग तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे फॉइल प्रिंट का भी यूज किया गया है. बैक का जो नेक है इसमें छोटी सी की होल पैटर्न भी क्रिएट की गई है और यहाँ पे आपको क्लोजर के लिए इनर साइड में बटन्स अटैच्ड मिलते हैं जिससे कि बिल्कुल एक सीमलेस सा लुक मिलता है आपको. हॉल्टर नेक होने की वजह से इसमें आपको स्लीव्स नहीं मिलते और स्ट्रेट फिट के साथ आया ये और इसके जो स्लिट है वो थोड़े हाई एंड ऐसे वाले स्लिट काफी एक लॉन्गर टाइप का इफेक्ट देता है. लेंथ वाइज ये भी मेरे काफ के ही अराउंड तक आया था. यहाँ पे यूज हुआ है 100% विस्कोस एंड रियली ये स्किन पे भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल था. अगर बात कर ले मेरे ओपिनियन की तो फिट वगैरह मुझे इस कुर्ते की बहुत ही ज्यादा पसंद आई. ये कुर्ता फैब्रिक वाइज कंफर्ट में A1 है. डेली यूज से लेके इसे आप छोटे बहुत फंक्शन में जरूर कैरी कर सकते हो कोई भी बेज या फिर गोल्डन कलर के पैंट्स के साथ. और गाइस हमारा नेक्स्ट कुर्ता है अनन्या ब्रांड का. ये वाला जो ऑप्शन है ना बहुत ही एक सोबर सटल सा कुर्ता है. कलर वाइज इसे ब्रांड ने मेंशन किया है ब्लैक बट इसकी जो बेस है मुझे डार्क ब्राउन टाइप की लग रही है. लग क्या रही है ही आप क्लोजली देख सकते हो. कुर्ते के ऊपर में यहाँ पे एथनिक मोटिफ वाले डिजाइनिंग क्रिएट किए गए हैं. ओवरऑल कुर्ते में सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है और इसमें आपको वी नेक मिल जाएगा जिसके साइड साइड में यहाँ पे लेस लगाए गए हैं क्रीम कलर के. इसमें आपको 3/4 स्लीव्स मिलते हैं एंड इसके एंड पार्ट में आप नेक से मैच होता है यहाँ पे भी लेस नोटिस कर सकते हो.
ही अगर इस कुर्ते के बैक में आए तो यहाँ पे भी आप सेम ही डिजाइनिंग नोटिस कर सकते हो। साथ ही ये वाला जो कुर्ता है वो स्ट्रेट फिट के साथ आया है, साइड स्लिट आपको मिल जाएगा। लेंथ वाइज ये भी मेरे काफ के अराउंड तक आया था। बात कर ले अगर इसके कॉम्पोजिशन की, ब्रांड ने मेंशन किया है कॉटन, एंड फील वगैरह भी ये बहुत ही अच्छा देता है। डे टू डे लाइफ में अगर आप कोई कम्फर्टेबल कुर्ता चाहते हो जरूर इसे इंक्लूड कर सकते हो। फिट वगैरह भी इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बस सिर्फ गड़बड़ी इसमें क्या हुई कि पिक्चर में जो उन्होंने कुर्ता दिखाया है उसके जो लेस है वो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, एंड यहाँ पे जो कुर्ता मुझे रिसीव हुआ है उसके लेस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। तो यही एक छोटी सी गड़बड़ी थी जो कि नेग्लेजिबल है, उतना ज्यादा नोटिस कोई करता नहीं है। बाकी ये कुर्ता डे टू डे लाइफ के लिए मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगी, इनकेस अगर आप कॉलेज गोइंग या फिर ऑफिस गोइंग गर्ल हो तो। और गाइस हमारा लास्ट कुर्ता भी है अनोख ब्रांड की ही तरफ से। वैसे बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है इस ब्रांड की, इनकी कलेक्शन अच्छी है इसीलिए मैंने इन्हें चूज किया है। कुर्ते की बात करें तो ब्लैक एंड मरून कलर में ये वाला कुर्ता आया है जिसके ऊपर में यहाँ पर ट्राइबल एंड फ्लोरल डिजाइनिंग का यूज किया गया है, एंड ऐसे टाइप के डिजाइनिंग वाले कुर्ते मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। इस कुर्ते में आपको राउंड नेक मिल जाएगा जिसके इनर साइड में यहाँ पे ब्रांडिंग एंड साइजिंग मेंशन है। इसका जो अपर वाला साइड है उसमें डिजाइनिंग आपको अलग मिलेगी, एंड जहाँ से दूसरी पैटर्न स्टार्ट हो रही है उसी के बीच में आप ये पतली सी ब्लैक कलर की बॉर्डर नोटिस कर सकते हो जो कि यहाँ पे थ्रेड वर्क के थ्रू किया गया है, एंड इसमें थोड़ी थोड़ी सी आपकी स्किन विजिबल होगी। वैसे ये उतना ज्यादा पता नहीं चलता बट है तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। स्लीवलेस वाला कुर्ता है, बाकी और एक्स्ट्रा कोई भी डिजाइनिंग आपको नहीं मिलती। बैक साइड में भी सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, बस यहाँ पे क्लोजर के लिए बैक में आपको ये की होल वाली पैटर्न देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पे एक वुडन वाली बटन भी अटैच्ड है। साइड स्लिट आपको इस कुर्ते में मिल जाएगा, एंड ये भी एक स्ट्रेट फिट वाला ही कुर्ता है और लेंथ वाइज ये मेरे नीज के अराउंड तक आया था। बात कर ले अगर इसके कॉम्पोजिशन की तो यहाँ पे ब्रांड ने मेंशन किया 100% कॉटन, जिस वजह से मुझे ये स्किन पे बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा था। ओवरऑल लुक आप इसकी देख सकते हो। बात कर ले अगर मेरे ओपिनियन की तो फिट वगैरह तो मुझे इसकी अच्छी लगी, बट इसका जो स्लीव है वो बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे मिल रहा है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका साइड वाला जो पार्ट है वो काफी विजिबल हो जाता है, और ये चीज मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगी इसलिए मैंने बीरोल में भी वो चीज नहीं दिखाया है। इस चीज को छोड़ के बाकी कुर्ते में और कोई भी डिमेरिट नहीं है। देखो मुझे अनकंफर्टेबल लगा इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, बट अपनी अपनी ओपिनियन होती है, आपको जैसा भी पहनना है आप अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हो। एंड आई होप गाइस आपको ये कलेक्शन अच्छे लगे होंगे। वैसे हमें टेलीग्राम में फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ पे हम बहुत सारे डील शेयर करने वाले हैं, एंड यहाँ पे भी हम ढेर सारे वीडियोस लाने वाले हैं, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।